अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था, ये जो मैंने आपको ऑडियो भी डाली थी एक सवालात की, अरशद अहमद कौन है, धोबी का नाम क्या क्या बताइए, आमिर क्या काम करता है, जाहिर क्या लाता है, ये मेरा मुकम्मल करवा दिया था। आगे था नेक्स्ट, दिए गए अल्फाज को अलग अलग करके लिखिए, तो ये भी मैंने अलग अलग करके बता दिए थे। जैसे गवाला है तो गवाला को कैसे आपने लिखना है, ये है गवाला, गवाला, तो इसको आपने करना है ऐसे, जैसे गा प्लस वाओ प्लस अलीफ प्लस लाम प्लस अलीफ, तो क्या बन गया, गवाला। तो इसको अलग अलग करके आपने लिखना है। तो आगे ऐसे ही आपने उस्ताद, डाकिया, धोबी, इसको भी ऐसे ही करना है। आगे सैल में दिए गए लोगों को उनके काम के निस्बत से जोड़ दीजिए। हारून क्या करता है, धोबी है, आमिर गवाला है, आकिफ खाकरोब है, खालिद नाई है, जाहिर क्या है, एक डाकिया है। नजर को तरंगम के साथ पढ़िए। तीतर बटेर, एक था तीतर एक था बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक ही चूंच और एक ही दुम, यानी वो दोनों लड़ रहे थे तो एक ही क्या हो गई, चूंच गुम हो गई और एक ही दुम। तो आज जो हम सबक आज पढ़ने जा रहे, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14। क्या है आज का हमारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। ये जो मैं अभी तक पढ़ा रही थी, ये मैं पीछे वाला रिवाइज करवा रही थी जो मैंने आज तक आपको सेंड किया है। तो ये क्या है आज चैप्टर नंबर 14, क्या है, रिम जिम रिम जिम, क्या है, रिम जिम रिम जिम। उस्ताद क्या आप बता सकते हैं कि हम छाता और बरसाती का इस्तेमाल कब करते हैं, यानी जब जो छाता जो हम ऊपर रख के इधर उधर बाहर निकलते हैं वो उसका इस्तेमाल जो है वो कब हम करते हैं। तो बच्चे बताते हैं बारिश के मौसम में। जाहिर सी बात है हम ऐसे तो छाता लेकर जाएंगे नहीं, जब बारिश बरसेगी तभी हम जाएंगे। तो आगे है रिम जिम बरसा पानी, क्या है, रिम जिम बरसा पानी, खेल रही थी गुड़िया रानी, क्या है, क्या अशआर है, खेल रही थी गुड़िया रानी, धोड़ी भागी छाता लाई, यानी दौड़ कर वो गई और छाता लेकर आई, लेकिन फिर भी खेल न पाई, लेकिन फिर भी खेल न पाई, फिसला पाऊं गिरी धड़ाऊ, यानी वो खेल क्यों नहीं पाई, फिसल गया उसका पाऊ और वो बिल्कुल धड़ाम तरीके से गिर गई, छाता बिना आया कौन, यानी ना ही उसका छाता उसके काम आया, जिद्दी बादल अब तो जाओ, बोलती है जिद्दी बादल अब तो जाओ, पानी और कहीं बरसाओ, यानी जो पानी बरस रहा है ये कहीं और जाके बरसाओ, चाहे तुम कल फिर आ जाना, चाहे तुम क्या करना, कल फिर आना, गरज कर नहीं डराना, मतलब गरज कर मुझे डराना नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो फिर कल आ जाना, लेकिन आज जो है वो बरसना बंद कर दो। समझ आ गए प्यारे बच्चों, ये आपने क्या करने हैं, अशार अच्छे से अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने भी हैं और साथ ही साथ इन्हें आप देखकर लर्न भी करना है। नेक्स्ट जो है सवालात वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। जब तक मैं ये सवालात आपको सेंड नहीं करूंगी, आपने ये सवालात ऐसे नहीं करने हैं, लेकिन उससे पहले ये जो मैंने रिम जिम वाला ये अशार पढ़ाए हैं आपको, इनको अच्छे से इस नज़म को लर्न भी करना है और साथ ही साथ अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तहरीर में लिखना है। समझ आ गई प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।